हेलो डियर, आज हम लोग करेंगे खान सर के द्वारा लिखे गए बुक से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो कि अम्ल क्षार और लवण टॉपिक से है। यह जो वीडियो है अम्ल क्षार लवण टॉपिक का पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन डाला जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और रेलवे के आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि NTPC 7th फेज का एग्जाम होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? ऑप्शन है हाइड्रोजन प्लस आयन जो है छोटा होगा, इसकी सांद्रता कम होगी, 1×10⁻¹ मोल प्रति लीटर, या हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह बराबर होगा 1×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है ज़्यादा होगा किससे, तो 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है बराबर होगा 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह कम होगा 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर से, तभी जो है घोल कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता 2 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000 गुना बढ़ जाती है। अगला है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1×10⁵ मोल प्रति लीटर है? ऑप्शन है 6, 5, 4, 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा न्यूट्रल, निष्पक्ष, क्षार, एसिड, तेजाब, आयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिड। 7 से कम होगा तो एसिड, यानी कि अम्लीय, 7 होगा तो उदासीन, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है? ऑप्शन है 0, 7, 7 से अधिक, 7 से कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। अगला है, कथन को पढ़े और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष सही है। कथन है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक अम्लीय है। निष्कर्ष, सल्फ्यूरिक, यहाँ पे सल्फ्यूरिक होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। दूसरा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 सही है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है, केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स का पीएच मान 9 है तो वाई का पीएच मान 2 है, जेड का पीएच मान 6 और ए का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? तो इसका सही आंसर होगा वाई और ए, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। ऑप्शन है सशक्त एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड और सशक्त बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस, कमजोर एसिड और कमजोर बेस, यानी कि क्षार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है, किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? ऑप्शन है सी, ए, किसी में भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, डी में है बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सी बिलियन। अगला क्वेश्चन है, उदासीन बिलियन का पीएच मान डैश होता है। ऑप्शन है 0, 7, 8, 6। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7।
अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पीएच का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शक्ति, पोटेंच जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति है, पोटेंशियल जिसका अर्थ जर्मन में आराम है, पोटेंसी जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोंटेज जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच उसकी डैश सांद्रता पर निर्भर करता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन, सॉरी हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोनियम आयन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रक्त का पीएच 7.4 बिल्कुल सही है, शुद्ध जल का पीएच 7.5 यही गलत है, क्योंकि शुद्ध जल का जो पीएच है वह 7 होता है, यहाँ पे 7.5 दिया यही गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम यानी कम, सबसे कम? ऑप्शन है नींबू का रस, शुद्ध जल, रक्त, डिटर्जेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नींबू का रस। अगला है, डैश का पीएच, पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया सकता। ऑप्शन है स्याही, पानी, जूस, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी कमजोर एसिड और सशक्त बेस। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय व्यंजन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7 से अधिक, 7, 7 से कम और 3। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7 से अधिक। अगला है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? ऑप्शन है दुर्लभ अम्ल, दुर्लभ क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। सही आंसर ऑप्शन ए दुर्बल अम्ल। अगला है, निम्न में से कौन सा विलयन उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। अगला है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होना संभावना है। ऑप्शन है 6, 9, 7, 8। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? ऑप्शन है सिरका, चूने का पानी, बेकिंग सोडा विलयन, धावन सोडा विलयन। तो सही आंसर ऑप्शन ए। अगला है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन है 5, 4 से कम, 6, 7 से अधिक। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डैश हो जाता है। ऑप्शन है गुलाबी, नीला, नारंगी, लाल। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलीन, इओसीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? ऑप्शन है गुलाब, साबुन, लौंग, हल्दी। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश कॉमा डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ऑप्शन है क्षार अम्ल लाल, अम्ल क्षार हरा,
छार अम्ल गुलाबी, अम्ल छार लाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अम्ल भराएगा, उसके बाद यहाँ पे छार भराएगा और यहाँ पे लाल भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। ऑप्शन है अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी। अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में रंगहीन। अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जब लिटमस बिलियन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग होता है। ऑप्शन है रंगहीन, बैंगनी, नीला, गुलाबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंगनी। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन है संश्लेषित सूचक, अम्ल क्षार सूचक, घ्राण सूचक, प्राकृतिक सूचक। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला, लिटमस बिलियन एक बैंगनी डाई है जिसे डैश निकाला जाता है। ऑप्शन है हरित, यानी कि मॉस, एस्पायरोगाइरा, काई जिसको लाइकेन बोलते हैं, रिक्सिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय लिटमस बिलियन का रंग डैश होता है। ऑप्शन है बैंगनी, काला, नीला, जामुनी। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए, तो डैश इस मिट्टी में हाइड्रेजिया गुल्म के फूल डैश के होंगे। ऑप्शन है सफ़ेद रंग, नीले रंग, भूरे रंग, गुलाबी रंग। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस बिलियन का रंग कैसा बनेगा। ऑप्शन है नारंगी, लाल, गुलाबी, नीला। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। ऑप्शन है सार्वत्रिक सूचक, फिनोप्थेलीन, लिटमस सूचक, मिथाइल ऑरेंज सूचक। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। अगला क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। अगला है, क्षार का रंग कैसा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी होगा, फिनोप्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। अगला है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, SO2, N2O, CaO, ZnO। सही आंसर ऑप्शन डी, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अगला है, डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन है CuO, Al2O3, Na2O, K2O। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला है, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन है निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। सही आंसर डी। अगला, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी को एम्फोटेरिक भी बोलते हैं ऑक्साइड है। ऑप्शन है आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
अमलगम में रहता है? ऑप्शन है Mg यानी कि मैग्नीशियम, Na यानी कि सोडियम, Hg यानी कि पारा और Cu यानी कि कॉपर। सही आंसर होगा Hg यानी कि पारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? ऑप्शन है आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी घोल की पीएच 7 से कम है तो वह घोल होगा? ऑप्शन है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों। सही आंसर ऑप्शन बी अम्लीय। अगला है, पीएच बराबर 2 का घोल पीएच बराबर 6 के घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होगा? ऑप्शन है 4, 12, 400, 1000। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1000। अगला है, एक जलीय घोल का हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1×10⁻⁴ है। घोल का पीएच अनंत होगा, 4 होगा, 10 होगा, 0 होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है? ऑप्शन है मैग्नीज, लोहा, क्लोरीन, आयोडीन। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला है, CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है, सोडा क्षार, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है? ऑप्शन है H2 द्वारा, एस द्वारा, एसेट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एसेट द्वारा। अगला है, 45 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है? ऑप्शन है 0, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है 0, 1, 7, 14। सही आंसर ऑप्शन सी। तो इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन थे सारे खत्म हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।